खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से, जहां पूरे मुल्क की तरह ज़िला टंडोलियार में भी पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी का दिन शयान शान तरीके से मनाया गया। वतन की आज़ादी का दिन मनाने के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में मुनक़द की गई। डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार वली मोहम्मद बलोच और SSP टंडोलियार फारूक अहमद बाजरानी ने कौमी परचम लहराया और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार और SSP ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स के कंपनी कमांड खिजर साहिब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद इब्राहिम आलमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 टंडू वाला यार शहजादो उमर जरवार, डिप्टी डायरेक्टर महकमा इतला टंडोले यार खालिद हुसैन कबोर, DSP सिटी टंडोले यार AK मेमन, DSP हेडक्वार्टर और तमाम महकमों के जिलाई अफसरान और मकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मोअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि आज़ादी के दिन पर मुबारकबाद देते हैं, ये वतन हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की हैं। जबकि इस मौके पर SSP टंडोले यार फारूक अहमद बाजरानी ने कहा, आज तजदीद अहद का दिन है, हम सबको अहद करना चाहिए कि बानी पाकिस्तान और मुफक्किर पाकिस्तान की ज़िंदगी और इनके पैगाम को अपना नस्बुलैन बनाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद इब्राहिम अलमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 शहजादो उमर जरवार ने सिविल हॉस्पिटल टंडोलियार और सब जेल टंडोलियार का दौरा किया और मरीजों और कैदियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और इनमें फ्रूट और मिठाई भी तकसीम की गई।